चैप्टर कर रहे थे अपवाह तंत्र, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस कर चुके हैं यहाँ पे, अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होता है, जल संभार क्या होता है, ठीक है, और नदी द्रोणी किसे बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर समुंदर में जल विसर्जन होता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक अरेबियन सी में जो विसर्जन हो रहा है और सेकेंड जो बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो हिमालय अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय अपवाह का मतलब क्या है, जो हिमालय से संबंधित रिवर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो पानी का जल का जो अपवाह हो रहा है, प्रवाहित जो हो रहा है, उसके बारे में देखते हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास की एक लंबी दूर में विकसित हुआ। हिमालयी अपवाह तंत्र कब विकसित हुआ, एक लंबी दूर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, ठीक है। बड़ी रिवर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था, बड़ी रिवर्स के लिए नदी द्रोणियाँ, और जो छोटी नदियाँ होती हैं या नाले होते हैं उनके लिए जल सांभर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी हैं उनके लिए नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ जो हैं वह बारहमासी हैं, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं। बारहमासी मतलब बारह महीने बहती हैं, इनका पानी नहीं सूखता है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, बारहमासी नदियाँ कहा गया है, क्योंकि जो इनका पानी है वह हिमालय पर्वत से जो बर्फ़ पिघलती है वो पानी आता है। सेकेंडरी यहाँ पर और कौन सा पानी, वर्षा से जो पानी है वो भी यहाँ पर आता है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों, ठीक है, गोज भी आप बोल सकते हैं, और से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। देखिए, हिमालय का उत्थान हुआ इसलिए गोज वगैरह बने हैं। दूसरी बात यह है इसमें कि जो अपरदन क्रिया है, ठीक है, जिससे मिट्टी खिसक जाती है, उससे भी इनका निर्माण हुआ है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने प्रवर्तीय भाग में वी प्रकार की घाटियाँ, शिप्रिकाएँ, विजल प्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षिपना स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोखुर झीलें, भाड़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता भी है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, जो मुख्यतः दो नदियों द्वारा बनाया जाता है, जो पश्चिमी बंगाल, बे ऑफ बंगाल के वहाँ पर है, और यह मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। हिमालय क्षेत्र में ये नदियाँ कैसी हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इन्हें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता ये क्या है, बदलती रहती हैं। कोसी नदी, ये मैंने आपको बताया था, जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि यह अपना मार्ग बदलने में कुख्यात रिवर है, ठीक है। तो आपको अभी ये लर्न करना है कि जो बिहार का शोक है वो किसको बोला जाता है, कोसी रिवर को बोला जाता है। देखिए बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव में यदि आप बात करें, तो जहाँ आपका जीके का पार्ट गलता है, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार का शोक कौन सी नदी को बोला गया है, तो कौन सी नदी को बोला गया है, कोसी नदी को बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि यह अपने रास्ते को ज़्यादा परिवर्तित करती है, जिसकी वजह से यह बाढ़ वगैरह आ जाती हैं, जनमाल दोनों की यहाँ पर भारी हानि होती है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इसमें नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, वे परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल देती है। देखिए, पर्वतों से जो वहाँ पर अवसाद होते हैं, ठीक है, अवसाद का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, मिट्टी है, कण है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अवसाद जो वो अपने साथ भारी मात्रा में बहा कर लेकर आती है, और जब वह मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, मैदानी क्षेत्रों में वो सारे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो रास्ता है वह अवरुद्ध हो जाता है, और वह उसका रास्ता जो है वह बदल जाता है, मतलब वह अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है, क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है, नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है, बाढ़ के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है।
हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास देखते हैं। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद हैं, ठीक है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प कितने समय पहले की बात की गई है, लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले, एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। देखिए, एक रिवर की बात की है इसने, जो कितने साल पहले है, 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले की बात की गई है। यह जो नदी थी इसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया था, और हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती है और अंत में निचले पंजाब के सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती है। भूवैज्ञानिक काल मापकम के लिए भौतिक भूगोल के आधार पर पुस्तक है आपकी, वहाँ से आप उसके चैप्टर 2 में भी देख सकते हैं। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम, इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना जिसमें रेत है, मृतिका चिकनी मिट्टी है, गोलाशम है, कॉन्ग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी 3 अपवाह तंत्रों में बटी हुई थी। 3 पार्ट्स इसके कौन से थे? फर्स्ट ये जो अभी एट प्रेजेंट भी है, सिंध और उसकी 5 सहायक नदियाँ। 5वीं सहायक नदियों के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैंने आपको मैप फिल करने के लिए भी कहा था, मैप में भी मैंने आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो आपको शो कराई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिकंड की बात करते हैं। सिकंड इसमें कौन सा है? मध्य गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, जो हिमालय और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, जो गंगा है, सेकंड पार्ट में वो सम्मिलित हैं। एंड थर्ड पार्ट में हम बात करें तो पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग, हिमालय से निकलने वाले इसकी सहायक नदियाँ हैं। विशाल नदी की इस तरह विभाजन संभवतः प्लास्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में पोटावर पठार के उत्थान के कारण हुआ था। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया है। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ है और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और यह जब हम पढ़ रहे हैं तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो इंडस रिवर की लंबाई है, जो इसका कैचमेंट एरिया है, ठीक है। और सेकेंडली हम इसके बारे में देखेंगे कि इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है, यह कौन कौन से अक्षेत्र को क्रॉस करते हुए जाती है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका कुल अक्षेत्रफल जो कैचमेंट एरिया है वो कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जो इसका क्षेत्रफल है वह 3,21,200 निवासी किलोमीटर है, ठीक है। टोटल एरिया तो इसका इतना है, लेकिन भारत में कितना है, 3,21,200 निवासी वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कुल लंबाई यदि हमसे कोई पूछे कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो हम बताएंगे यहाँ से कि कुल लंबाई कितनी है, 2,880 किलोमीटर है। और भारत में जो इसकी लंबाई है वह कितनी है, 1,114 किलोमीटर हैं। देखिए ये जो इसका कुछ पार्ट है चाइना में है, कुछ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, और कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान में है, ठीक है। तो जो इंडिया वाला पार्ट है वो टोटल देखिए, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान में यदि देखें तो इस नदी की लंबाई कितनी है, 2,880 किलोमीटर है। और भारत की बात करें बेटा तो भारत में कितनी है, 1,114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बती अक्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोकचूर के निकट एक हिमनद है। देखिए इसका ओरिजिन प्लेस जो तिब्बती अक्षेत्र है वहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणियाँ हैं, वहाँ पर जो बोकचर चू के निकट एक हिमनद है। ये जब आपको लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड मैंने आप कराए थे तो जो मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड की यदि मैं बात करूँ तो लॉन्गिट्यूड में 82.5 डिग्री से हमारा टाइम जोन गया हुआ है, या हमारा समय लिया गया है, या उस रेखा से हमारा समय को निर्धारित किया गया है। तो वहीं देखिए वहीं 80 डिग्री के आसपास, और ये 31 डिग्री के आसपास, 31 to 80
यहाँ हम देखें तो एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जो ग्लेशियर, यह जो हिमनद है, यह कितनी ऊंचाई पर है? 4164 किलोमीटर में। तिब्बत में इसे सिंगी खबान और सीरमुख कहते हैं, ठीक है, जो सिंधु नदी के नाम से, जो इंडस रिवर से हम जिसको भारत के अंदर जानते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि तिब्बत में इस रिवर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम से भी, आगे आपको फर्दर आफ्टर 12th कोई टेस्ट देना है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो वहाँ देखिए, सिंगी खबान के नाम से जानते हैं या सिरमुख के नाम से इसको जाना जाता है। लद्दाख में जस्कार रेंजेस के बारे में बात करूँ, लद्दाख देन आफ्टर जस्कार रेंजेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ही हैं दोनों रेंजेस के बीच में, उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है। बालिस्तान पाकिस्तान, लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड बनाती है। यह पाकिस्तान में चिलस के निकट दरिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है? दरिस्तान प्रदेश में, चिलस के निकट। मानचित्र में इस क्षेत्र को रेखांकित भी कर सकते हैं। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। देखिए जिनके नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं, सयोक है, गिलगित है, जस्कार, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गोस्टिंग वे द्रास हैं। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। दाहिने तट पर, ठीक है, कौन सी नदी आकर इसमें मिल जाती है? काबुल नदी इसमें मिल जाती है, ठीक है। काबुल कैपिटल भी है। काबुल कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। इसकी दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियाँ खुरम, तोमची, गोमल, विभोआ और संगर हैं। ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं और सुलेमान रेंजेस भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ऑलरेडी टीच यू इन योर सेकेंड चैप्टर, ठीक है। सुलेमान रेंजेस कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बढ़ती हुई मिथान कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद का मतलब क्या है? पांच नदियों का जल प्राप्त करती है। पांच नदियों का, कौन सी नदियों का? सबसे पहले बात करेंगे झीलाब, फिर चेनाब, फिर रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। पांच रिवर्स जो हैं इसकी मुख्य ट्राइब्यूटरीज हैं जो मिथान कोट पर मिलकर, मतलब ये पांचों नदियां आपस में मिल जाती हैं और इन पांचों का जो जल है वह सिंधु नदी को प्राप्त होता है। एंड मिथान कोट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। पंचनद नाम पंजाब की मुख्य नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झीलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरेबियन सी में जाके गिरती है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडस रिवर है वो कहाँ जाकर गिरती है? अरेबियन सी में जाकर गिरती है। फिर देखिए, भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। केवल हमारे एक राज्य से बहकर यह निकलती है, वह है जम्मू एंड कश्मीर। फिर देखिए, झीलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में वेरीनाग झरने से निकलती है। अब हम इसकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे झीलम रिवर से संबंधित। झीलम रिवर जो है वह इसकी सहायक नदी है। यह जो है वह कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल जो गिरिपद है वहाँ की वेरीनाग जो झरना है वहाँ से यह निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे माखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। झेलम किससे मिलती है? चेनाब से मिलती है। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में जो झंग जगह है वहाँ पर जाकर मिलती है। दूसरी बात, यह नदी जो है श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए कहाँ से बहती है? ये श्रीनगर से और वुलर झील से। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरी बात, वुलर जो झील है बेटा, यदि इंडिया में सबसे मीठे पानी की झील की बात की जाए तो वो कौन सी है? वुलर लेक है। खारे पानी की बात की जाए तो वो कौन सी लेक है? चिल्का लेक है। चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब देखिए चेनाब रिवर देखते हैं। चेनाब जो है वह इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको झीलम रिवर के बारे में बताया है, लेकिन यदि लेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो चेनाब जो है वह इसकी
सबसे प्रमुख नदी है, सबसे मतलब बड़ी नदी है। दूसरी बात, जो चेनाब नदी है वह मुख्य दो धाराओं से मिलकर बनी है, एक चंद्रा दूसरी भागा। फिर ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। देखिए, दो, एक चंद्रा एक भागा, दोनों आकर तांडी नाम की जगह पर मिल जाती हैं, जहाँ इसे चेनाब नाम से जाना जाता है। इसलिए इस नदी को चंद्रा भागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये 1180 किलोमीटर इंडिया में बहती है। देखिए, सिंधु कितनी थी, 1114 थी, ठीक है। और जो इंडस की, चेनाब की मैं बात करूँ तो ये 1180 है, मतलब सिंधु से ज़्यादा है। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका ओरिजिन प्लेस मैंने आपको क्या बताया, HP बताया। इसका मैंने आपको क्या बताया, J&K बताया, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं रावी की, तो रावी भी जो है उसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, HP ही है। HP में कहाँ से है बेटा, कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। देखिए, ये रोहतांग दर्रा, तो इसके पश्चिम से कौन सी रिवर निकलती है बेटा, रावी रिवर निकलती है, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। और राज्य की चंबा घाटी से बहती है, ये चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले, करने वे सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिलने से पहले, ये देखिए, अब ये यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो मतलब सराय सिंधु नाम की जो जगह है वहाँ पर उसके निकट यह चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। जो झेलम है वो भी किससे मिल रही है, चिनाब नदी से मिल रही है, ठीक है। जंग के निकट चिनाब से मिलती हैं। चिनाब वैसे ही लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। और ये जो हम रावी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका ओरिजिन प्लेस जो है वो रोहतांग दर्रे का पश्चिमी एरिया है, और यह है चंबा घाटी को क्रॉस करते हुए बहती है। और ये जो सराय सिंधु नाम की जगह है, ठीक है, वहाँ पर ये चिनाब से मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में धौलाधर के बीच इस प्रदेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं फोर्थ ट्राइब्यूटरी की। फोर्थ ट्राइब्यूटरी किसकी है, व्यास, व्यास रिवर के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण है, जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर, 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट क्या है, एक व्यास कुंड है। व्यास कुंड से ही ओरिजिन प्लेस किसका है, व्यास रिवर का है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। हरीके के पास यह सतलुज नदी में जा मिलती है। किस रिवर में मिलती है, यह सतलुज में मिल जाती है। देखिए, जो मैंने दो ट्राइब्यूटरीज की बात की थी, एक झेलम की बात की थी, एक रावी की बात की थी, तो झेलम और जो रावी थी बेटा वो जाकर चिनाब से मिल रही थी, और जो चिनाब है वह किससे मिल रही थी, इंडस से मिल रही थी फाइनली। अब हम व्यास नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो व्यास नदी जो है वह हरीके के पास जाकर पंजाब में सतलुज रिवर से मिल जाती है, ठीक है। और ये इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड है, ठीक है। व्यास कुंड से यह निकलती है। अब हम बात करेंगे सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट, ठीक है, राकस ताल से निकलती है। ओरिजिन प्लेस इंडिया में नहीं है इसका। अभी तक फोर ट्राइब्यूटरीज की मैंने बात की, फोर जो सहायक नदियां थी, चार ट्राइब्यूटरीज थी इंडस सिंधु रिवर की, तो उसकी जो पांचवी ट्राइब्यूटरी है वह उसका ओरिजिन प्लेस इंडिया में नहीं है। उसका जो ओरिजिन प्लेस है वो तिब्बत में है। मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 4555 मीटर है, जहाँ इसे लॉन्गचीन खबाब के नाम से जाना जाता है। देखिए, इंडस को वहाँ किस नाम से जाना जाता है, सिंगी खबाब के नाम से जाना जाता था, खम्बान के नाम से जाना जाता था, और इसकी यदि मैं बात करूँ तो ये लॉन्गचेन खम्बान के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है, ठीक है। जहाँ इंडस रिवर बह रही है उसी के पैरेलल ये बहती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से बहती हुई पंजाब में के मैदान में प्रवेश करती है। मतलब जो इसका एंट्री प्लेस है वो कौन सा प्लेस है, सिपकिला जो दर्रा है वो इसका एंट्री प्लेस है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, पूर्व से आती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। क्यों सहायक नदी है, क्योंकि इस पे भाखड़ा डैम बना हुआ है, और भाखड़ा डैम से ही हमारी इंडिया की जो सबसे बड़ी नहर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी कैलान है, जो इरिगेशन सिंचाई का काम करती है। कहाँ सिंचाई का काम करती है, हरियाणा, पंजाब
और जो नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, राजस्थान का, वहाँ पर इरिगेशन जो है वह इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा होता है। और इंदिरा गांधी नहर जो है वह भाखड़ा नांगल डैम से बनाई गई है। एंड भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड एट सतलज रिवर, और ओरिजिन प्लेस इसका तिब्बत में है, मानसरोवर के पास जो इसकी राकश ताल है वहाँ से इसका ओरिजिन प्लेस है। सिपकलादरी से ये इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक कराया है, दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इट्स अबाउट द इंडस सिंधु रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, सहायक नदियाँ जो सिंधु की हैं उनके बारे में है, और आपको ये सभी याद होनी चाहिए वन बाय वन। फर्स्ट इज झेलम, जिसका ओरिजिन प्लेस जम्मू एंड कश्मीर में ही अवस्थित है, ठीक है। जो उसके बाद कौन सी वाली थी हमारे पास, उसके बाद हमने बात की थी चेनाब की बात की थी। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपसे पूछा जाए कि जो श्रीनगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं चेनाब रिवर की। चेनाब जो है इसका मुख्य बिंदु यह है कि यह जो नदी है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी बात यह है, चंद्र और भागा दो सरिताओं से मिलकर बनी हुई है, इसलिए कभी कभी इसे चंद्र भागा भी कहा जाता है, ठीक है। और जो इसका ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है। रावी जो है उसका भी हिमाचल प्रदेश में है। व्यास जो है उसका भी हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से है। लेकिन जो सतलज है इसकी, उसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ पर है बेटा, इंडिया में नहीं है, इट इज़ सिचुएटेड इन तिब्बत, ठीक है। आपको ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, रिवर की लेंथ बन गई है, कितना इनका कैचमेंट एरिया है, कौन सी नदी बड़ी है छोटी है, कौन से दर्रे से निकलती है, उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे निकले हैं, वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आपको ऑल क्वेश्चंस राइट करने हैं, देन आफ्टर आपको सभी क्वेश्चंस लर्न भी करने हैं। क्लियर टू यू?